किसान भाइयों, आप लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम। मेरा नाम आभास चंद्र मंडल है। अभी हम मत्स्य पशुपालन प्रसार केंद्र मीठापुर में बेखता के पद पर स्थापित हैं। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मछली का बीज जो आपको पहचानना है, कैसे पहचानना है और उसको किस आकार में पहचानना है, क्या किस आकार में क्या नाम है, और उसको परिवहन जब करते हैं तो परिवहन के दौरान मछली की मृत्यु, मछली के बच्चे की मृत्यु, मछली बीज की मृत्यु कम से कम हो, इन सब सारी बातों पर जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। ये खास करके जो मत्स्य पालक बंधु मत्स्य बीज का व्यवसाय करते हैं, मत्स्य बीज कहीं से ला करके अपने एरिया में, अपने क्षेत्रों में मछली की बिक्री करते हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। तो जो मत्स्य पालक हैं वो भी थोड़ा धोखा से बचे रहेंगे कि मछली बीज जो हमें मिल रहा है वो सही प्रजाति है कि नहीं। सबसे मेरा पहला सलाह यही रहेगा, मछली पहचानने के चक्कर में नहीं रहें। सबसे बढ़िया यही रहेगा जिस हेचरी में, जिस मछली बीज फार्म में जो स्पॉन अलग अलग संचय किया जाता है, किसी पर्टिकुलर नर्सरी में कतला हो, किसी में रोहू हो, किसी में मृगल हो, किसी में कॉमन कार्प हो, जिस नर्सरी में अलग अलग बीज मिलता हो, अलग अलग स्पॉन मिलता हो, मेरा सलाह यही रहेगा आप वहीं से बीज खरीदें। जो मिश्रित बीज है आप खरीदेंगे, पहचान तो बहुत हद तक पहचानेंगे, लेकिन पूरी पहचान संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि छोटी मछली में होता है कि पानी का रंग बदलता है। बहुत मछली आपको अगर अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा पानी में प्रचुर भोजन है, अच्छा खाना है, अच्छा पानी वातावरण है, तेज़ी से वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए आपको बढ़िया है कि जिस नर्सरी में, जिस हैचरी में अलग अलग बीज मिलता है वहाँ से बीज खरीदें। थोड़ी सी फिर भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि मछली बीज पहचान कैसे करें। जैसे रोहू है, अगर रोहू का बच्चा पहचानना हो आपको, तब रोहू का सबसे पहले मुंह देखिए। आप देखेंगे क्या, रोहू का बच्चा का जो मुंह होता है, जो ऊपर का ओठ होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, नीचे का ओठ छोटा होगा, पतला होगा। यानी कि ऊपर का ओठ बड़ा होगा, नीचे का ओठ छोटा होगा, और क्या होगा, जो नीचे का ओठ होगा वो झिल्लीदार होगा, कांटेदार होता है, उसको बोलता है फ्रिंज लिप बोलता है। उसका पर्पस ये है कि चूँकि ये पेरीफाइटॉन खाती है इसलिए फ्रिंज लिप होता है। और इसकी आप लोग जानकारी नहीं होगा, रोहू में एक जोड़ी मूछें भी होते हैं, उसको बार-बार इंग्लिश में बार-बार बोलता है, जो कि बड़ा होने पर दिखता नहीं है, बड़ा होने को गायब हो जाती है इसलिए नहीं दिखता है। इसे छोटे रोहू के बच्चे में, स्पॉन के साइज़ में या फ्राई के साइज़ में आपको बार-बार दिखेगा, एक जोड़ी बार-बार दोनों तरफ में बार-बार दिखेगा। और इसके पूछ पर जो है एक काला धब्बा ढोलक आकार के होगा, पूछ पर देखेंगे। और जब एक चीज़ और देखेंगे आप, सबसे बड़ा पहचान आपको क्या बताए, वो मुंह का साइज, मुंह ऊपर का ओठ बड़ा होगा, नीचे का छोटा होगा। जो शरीर का जो ये होगा बनावट होगा वो थोड़ा जो डोर्सल एरिया होगा, पीठ का एरिया होगा थोड़ा सा ऊंचाई लिए होगा और थोड़ा सा लंबा कम होगा। उसी तरह कतला में जब आएंगे, कतला देखेंगे क्या आप, जो मुँह है उसका जो ओठ है नीचे का ओठ बड़ा होगा और ऊपर का ओठ छोटा होगा, यानी कि कटोरी शेप का होता है। आप जैसे नीचे का देखेंगे जो ओठ है वो बड़ा होगा, मोटा होगा, ऊपर का छोटा होगा। और जो बॉडी का पार्ट देखेंगे, जो डोर्सल पार्ट है, पीठ का पोर्शन है, वो ऊंचा ज़्यादा होगा, थोड़ा लंबाई कम होगा। जो स्केल है, स्केल नॉर्मल होता है, और जो नीचे का लीफ है वो थोड़ा सा उसको रेडिश कलर का होगा, और पूछ पर कोई दाग नहीं होगा। उसी कड़ी में आप मृगल में आएंगे, मृगल जो देहाती भाषा में नैनी बोलते हैं, नैनी क्या होता है, नीचे में मछली रहती है। इसका सबसे अच्छा पहचान है जो लीफ है, जो ओठ है, दोनों ओठ बराबर होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। और क्या देखेंगे, शरीर लंबा छरारा होगा, बेलनाकार नहीं होगा, जैसे रोहू का बेलनाकार होता है, छरारा नहीं होगा, इसका लंबा होगा, छरारा होगा, ओठ क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसके पूछ पर भी दाग होता है, पूछ पर आप काला ऐसा दाग धब्बा देखेंगे। उसी तरह से आप एक होता है सिल्वर कार, आप नाम ही सिल्वर का, नाम से ही सिल्वर है, यानी चमकते रहता है, इसमें बहुत पहचान नहीं करना है। अगर जो ऐना थोड़ा चमकेगा तो सिल्वर होगा, इसमें जो स्केल होता है, जो चोटा है, बहुत महीन महीन होता है, और मुंह क्या होगा, नुकीला होगा, इसमें भी जो नीचे का ओठ होगा वो मोटा होगा। सबसे ये सब पहचान सबसे बढ़िया उसमें तरीका क्या बताए, चमकीला होगा। सेकेंडरी सब देखना है, मुँह सब देखना है, मुँह नुकीला होगा। उसी तरह ये ग्रास कार्प, जो मछली है ये रोहू की तरह ही होती है,
ये लेकिन बेलनकार होगा, ये चौरा चौरा नहीं होगा, गोल टाइप से होगा। और जो ऊपर का जो जो नीचे का पार्ट होता है, मुंह के नीचे का पार्ट थोड़ा सा ढसा होगा और इसलिए ज़मीन के बराबर दिखेगा। और थोड़ा सा अगर बच्चा अगर है तो छोटा हरापन लिए बनी होता है, इसे भी कोई दाग नहीं होगा, कोई बारबस नहीं होगा और थोड़ा सा जस्ट रोहू के साइज का ही होगा, लेकिन थोड़ा सा मुंह चपटा जो डोर्सल डोर्सल है वो गहराई कम रहता है, इसमें गोल बेलनाकार होगा। इसे को इसी तरह से आता है कॉमन कार। कॉमन कार में क्या होता है, जिसको हम लोग गांव घर में कॉमन कार बोलते हैं, कोई कोई उसको लादूस बोलते हैं, कोई कोई अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है। तो जो कॉमन है वो कॉमन कार पे, कॉमन कार क्या होता है, जो मुंह होता है वो पूरा मोटा होगा, चौड़ा होगा, झालरदार होगा और पेट जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा लंबाई नहीं होगा, लंबाई जो डोर्सल चौड़ाई ज़्यादा होगा, लंबाई नहीं होगा, मुंह बड़ा होता है, दूर से देखेंगे पेट से ही पहचान में आ जाएगा कि ये कॉमन कार्प है। ये अगर इतना थोड़ा सा पहचान, इससे पहचान में आपको पहचान सकते हैं, प्राइमरी प्राइमरी देख करके बता सकते हैं कि ये कौन सा बच्चा है, कौन सी किस मछली की प्रजाति की बच्ची है, बच्चा है या सीड है, सीड है। लेकिन ये बहुत बोलने में आसान है लेकिन करने में थोड़ी भारी है, इसलिए इसके लिए आपको अनुभव की आवश्यकता होगी। दो चार बार देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे। इसलिए हम आपको सलाह क्या दिए कि जहाँ पर प्योर बीज मिलता है, अलग अलग प्रजाति के बीज अलग अलग नर्सरियों में रखा है, वहाँ से खरीदें तो आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा इसमें जान लें कि मछली होता क्या क्या साइज का, तीन साइज होता है, एक होता है पृथक की होता है, अलग अलग कैसे करना है, स्पॉन है, फ्राई है, फिंगरलिंग है और ईयरलिंग है। जो स्पॉन का साइज है वो जो हैचरी से जाते हैं हैचरी बीज खरीदने के लिए, जो जैसे ही 72 घंटा का बच्चा होता है, जो हैचिंग पूल में बच्चा चलता है, जो 72 घंटा के बाद जो अंडा के बाद जो निकलता है वो स्पॉन बोलता है उसको, उसी तरह से इसका साइज़ होगा आपको 8 mm से नीचे होगा, यानी इसको कह सकते हैं 5 से 10 mm साइज़ का जो होगा वो स्पॉन होगा। उसी तरह से 10 से 40 mm जो होगा वो फ्राई होगा, 40 mm से 100 mm जो होगा फिंगरलिंग होगा। चौथा ऐसा होता है ईयरलिंग, ईयरलिंग का साइज नहीं होता है, ईयरलिंग नाम ही आपको नाम से ही ये क्लियर है, ईयरलिंग मतलब वर्ष, एक वर्ष का बच्चा। तो वैसा बच्चा जो कम से कम एक जारा नर्सरी में वो बिताया गया हो, सपोज आप जून जुलाई में बच्चा डाले हो नर्सरी में, जब फरवरी मार्च हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, वो सीड आप नर्सरी का, वो सीड आपको ईयरलिंग कहलाएगा। ईयरलिंग से फायदा क्या है, जो ईयरलिंग है कम समय में ज़्यादा ग्रोथ होगा और ये रोग ग्रसित नहीं होगा। जितना बीज डालेंगे आपके तालाब में उतना बीज होगा, आपके तालाब में बीज मरेगा नहीं। इसलिए मछली पालन के दृष्टिकोण से ईयरलिंग सबसे अच्छा है। इसका संचय दर है प्रति एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा 2500 से 3000 काफ़ी है। 2000 भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास 50 ग्राम का बच्चा हो गया, 100 ग्राम का हो गया तो 2000 काफ़ी है, 2200 काफ़ी, 2200 काफ़ी है। अगर थोड़ा छोटा है 40 ग्राम है, 25 ग्राम है, 2500 काफ़ी है। इसी तरह से और एक देखना है, ये उस पर डिपेंड करता है, और एक से डिपेंड करता है आप मछली साइज हार्वेस्ट कब करना है। अगर आपको मछली 1 किलो हार्वेस्ट करना है तब तो पर एकड़ 2000-2500 ठीक है। अगर आपको हार्वेस्ट आधा किलो में करना है तब आप सीड संख्या बढ़ा सकते हैं, 3000-3500 डाल सकते हैं। तो ये दोनों आपको देखना है, कल्चर टेक्निक देखना है, आपका जो एरिया का डिमांड है वो देखना है। अगर आपके एरिया के एरिया में छोटी मछली का प्राइस अच्छा मिल रहा है तो बड़ा मछली करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ा मछली जैसे ही आप करेंगे तो आपका FCR बढ़ेगा। FCR मतलब भोजन के खाने पर खर्च बढ़ेगा। इसलिए अगर आपके एरिया में छोटी मछली का डिमांड हो तो छोटी मछली ही बेचें। उससे क्या होगा, कम एरिया में ज़्यादा बीज डाल करके आप कम समय में उतना ही समय में उत्पादन आपका उतना ही होगा। और आपको अगर जिस एरिया में छोटी मछली का डिमांड नहीं, बड़े मछली का डिमांड है, तो आप स्टॉकिंग डेंसिटी कम कर करके उसी को बड़ा करें। दोनों स्थिति में आपको फायदा होगा, लेकिन थोड़ा बड़ा मछली करने में आपको थोड़ा खर्च कॉस्ट बढ़ जाता है, मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, बीच में कई रोग आएगा, कई परेशानियाँ आएगी, ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो गया, अमोनिया बढ़ेगा, इन्हीं बातों पे ध्यान देना है। तो बीज का जो चयन है ये बहुत ही आवश्यक है। जो बीज आप खरीदने जाते हैं आप देखें कि बीज का जो ऊपर स्केल उस्केल जो है, जो चोटा है वो गायब नहीं होना चाहिए, पूरा स्केल होना चाहिए। और मछली का मुँह, जो बच्चा का मुँह है वो लाल नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। मछली के बजट पर कोई फंगस नहीं होना चाहिए। जब मछली उठाते हैं हाथ में
पूरा मछली तेज से उसको ये करना चाहिए, जंप करना चाहिए, कूदना चाहिए। इसका मतलब है कि मछली जो है, बच्चा जो है वो अच्छा है, हेल्दी है, स्वस्थ है, वैसे बच्चा को खरीदें। और जो जो नर्सरी जहाँ से बीज खरीदते हैं या जहाँ से आप बीज आप अगर आप किसी को बेचते हैं, प्रयास ये करें एक दिन पहले आप भोजन बंद कर दें मछली का। इससे क्या होगा, जो परिवहन के दौरान जो है मछलियाँ जो मरना कम से कम हो जाएगी। ये सब ध्यान देने से आपको मछली बच्चा यही साइज डालना है। अगर आपको मछली व्यवसाय करना है तब तो स्पॉन फ्राई अच्छा है, अगर मछली पालन करना है तब तो ईयरलिंग फ्राई ईयरलिंग फिंगरलिंग अच्छा है। इस तरह से एक मछली परिवहन करना है, अगर आप व्यवसाय करना है मछली का तो मछली परिवहन बाहर से, चूँकि सभी जगह हैचरी बन नहीं सकता है, जब भी आपको स्पॉन मिलेगा तो हैचरी से ही मिलेगा। इसी हैचरी से जो बीज लाना है, फ्राई फिंगरलिंग लाना है, स्पॉन लाना है, उसके लिए आपको सावधानियाँ बरतनी है। इसलिए परिवहन, मछली का परिवहन थोड़ा भारी है, इसलिए परिवहन को रोकने के लिए ही जो केज पेन सिस्टम आ गया है, केज कल्चर, पेन कल्चर, तो या जहाँ पर ज़मीन की सुविधा नहीं है, जहाँ ज़मीन का सुविधा है वहाँ पर यह नर्सरी अच्छा है। इसलिए परिवहन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिवहन के दौरान बहुत प्रॉब्लम परेशानी होती है, मछलियाँ मरती है। परिवहन के दौरान खास करके क्या होता है, पानी ऑक्सीजन घट जाता है, अमोनिया बढ़ जाता है, मछली आपस में घर्षण होता है, उससे जो फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो इसलिए परिवहन में कठिनाई होती है। तो परिवहन के लिए आजकल एक नई कुछ कुछ आती है, तकनीक आता है, ताकि मछलियों को जैसे एनेस्थेसिया बोलता है, तो थोड़ा मछली को धीरे कर देता है, उसको मछली एक अपने शरीर से हलचल नहीं करेगी तो उसका क्या होता है, मछली डैमेज कम से कम होता है। इसके लिए आता है MS 222 आता है, ये 100 लीटर पानी में 10 ग्राम डालना है। इसे डालने से क्या होगा, तब बच्चा उसमें कैरी करने से क्या होगा, मछलियाँ अपने से कम करेगी तो कम से कम घर्षण होगा, चोट कम लगेगा, डैमेज कम होगा। MS 222 डाल सकते हैं या तो फिनोक्सीथिलोन डाल सकते हैं, वो है 250 ml प्रति 100 लीटर पानी में। ये सब मछली एक तरह से एनेस्थेसिया है, यानी मछली को बेहोश करना है एक तरह से, लेकिन कुछ समय के लिए, जैसे आप तालाब में फिर लाएंगे उसको एक्लिमेटेशन करेंगे तो मछली आपका फिर से होश में आ जाएगी। तो परिवहन जब भी करना है तो रात में करना है, ठंडे मौसम में करना है। उसमें तापमान अगर 20 से 25 30 ग्राम हो तो 25 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो परिवहन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा प्रयास करें कि रात में परिवहन करें ताकि तापमान ठीक रहता है। नहीं तो अगर एसी गाड़ी है तो एसी में करें, लेकिन आजकल चूँकि कार को बड़े ज़्यादा मात्रा में कैरी करना है, इसलिए एसी गाड़ी स्पॉन को कर सकते हैं, लेकिन फ्राई फिंगरलिंग को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पॉलीथीन आएगा जो उसमें कवर करके लाता है। इसलिए बढ़िया है तो रात में जो ओपन में ला सकते हैं, और इससे आपको रात में तापमान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सीधे अपने तालाब पे आकर के उसको क्या करें, फिर आके वहाँ पर एक्लिमेटाइज करें उसको। परिवहन के बाद जब अपने तालाब पे लाते हैं तो उसको एक्लिमेटाइज करें। एक्लिमेटाइज क्या हुआ, जो जो जिसमें आपका बच्चा रखा हुआ है, जिस पानी में और तालाब का पानी में, दोनों पानी का तापमान और जो क्वालिटी है दोनों अलग अलग है, ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग है। तो इसलिए आप क्या करें, जो तालाब के पानी को धीरे धीरे उस जो इसमें लाए हैं, उस मछली के जो कंटर है, मछली का जो भी कर सकते हैं, हंडी हो या पिकअप हो, उसे तालाब पानी धीरे धीरे मिलाएं। ये प्रोसेस कम से कम आधा घंटा चलेगा। जब देखें कि तालाब का पानी अच्छा खासा मिल गया, ये पानी निकल गया, तब उस मछली को धीरे धीरे, अगर समय हो तो थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके उसको ट्रीटमेंट करके तब तालाब में डालें। तो इससे आपको मछली जो परिवहन के दौरान जो भी उसमें परेशानियाँ हैं या इन्फेक्शन जो भी होता है फंगल, वो दूर हो जाएगा। इसलिए एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो पानी जब परिवहन करते हैं तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ये सब ध्यान देते रहना है कि मछली ऐसा नहीं कि सही मछली ऊपर आके ऑक्सीजन ले रही, ये सब ध्यान देना है। अगर ऑक्सीजन ले रही है तो पानी को ऑक्सीजन सप्लाई करना है, या तो आजकल मोटर आता है जो यूज करते हैं आप लोग इसमें कूलर में, उसको यूज कीजिए तो पानी फवारा बाहर से आएगा तो पानी में ऑक्सीजन मिक्स होते जाएगा। नहीं तो एरेटर भी आता है, बैटरी चार्ज एरेटर भी आता है, वही प्रयोग कर सकते हैं। यानी आपको किसी भी तरीके से पानी वाटर पानी में ऑक्सीजन मेंटेन करना है, संतुलन बना के रखना है। नहीं कर सकते हैं तो बीच बीच में प्रत्येक दो दो घंटा पे पानी बदलना पड़ेगा आपको, नया उस पानी को निकाल करके नया पानी डालना पड़ेगा। इसलिए परिवहन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मछली का पृथक्करण भी, पहचान भी अलग इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो बीज डाल रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन तीनों बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जिनको भी व्यवसाय करना है तीनों बातों को अप्लाएँ, उसको उपयोग करें, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। धन्यवाद।